आखिरकार पेस्टिसाइड वालों की हुई जित। एडीओ नूं 10 दिनों की छुट्टी ते भेजिया मुख खेतीबाड़ी अफसर। जानकारी अनुसार पिछले 2 दिन पहला पेस्टिसाइड वाली दुकान उपर एडीओ खेतीबाड़ी वालों अपना रोह पाया गया, जिदे चलदिया समूह पेस्टिसाइड दुकानदारों वालों पिछले 3 दिन तो दुकाना बंद करने का ऐलान किया गया, जिससे कि अज जैतो विखे मुख खेतीबाड़ी अफसर पहुंचे और समूह पेस्टिसाइड वाले दियां मुश्किलां सुनिया। आओ सुनदे हां की कहना है मुख खेतीबाड़ी अफसर दा। मेरा डॉक्टर करमजीत सिंह गिल, मुख खेतीबाड़ी अफसर फरीदकोट। हाँ सर, पिछले 2 दिनों का रौला पै रहा है, जो थोड़ा एडीओ है जी कुलदीप सिंह, उसे तो बड़े गंभीर इल्जाम लगे हैं जी, की कहोगे उन्होंने बारे, तो की हुण फैसला होया, दुकाना खोलिया जाएगियां जां नहीं खोलिया जाएगियां? हाँ जी, परसों जो असं चैकिंग ते सैंपलिंग कर रहे सर, तो उदों जरूर एक रौला पिया इतने, जिदे करके थोड़ा जा जिहड़े डीलर भरा सी उन्होंने भी कोई आपकी मुश्किल दसी है जी। तो बाद चलो आपां कल पता लगा भी 3 दिन मतलब दुकाना बंद कर रहे, तो अज चलो इन्होंने मीटिंग रखी उत्थे, मैनू भी बुलाया मेरे ब्लाक अफसर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, वह भी मेरे नाल आ, तो जिहड़ा हुण जिन्ना जिहड़ा मंग पत्र आ मैनू मिल गया हैगा, इहदे च असीं यही कोशिश कर रहे हैं भी दोवें धिरां नूं आह जिहड़ा बिठाइए पता लगे पहले उस धिर की सारी पूरी की पूरी इनकुआरी करके फिर इस धिर का भी की कारण आ, तो सानू मानयोग डायरेक्टर साहब वालों भी लैटर आई है भी तुसीं पूरी की पूरी पड़ताल करके सोमवार तक सानू पूरी की पूरी इहदी रिपोर्ट करो, तो दूजा नंबर जिहड़ा ये मंग पत्र हैगा इन्हां वालों इहदे मुताबिक भी असीं पूरी की पूरी इनकुआरी करके डायरेक्टर साहब के मुताबिक जो लैटर आई उहदे मुताबिक पूरी इनकुआरी करके असीं रिपोर्ट आ जिहड़ी सोमवार पहुँच दी कर देवांगे, उस तो बाद जिहड़ा डिसीजन आ जो भी लैंदी आ उह फिर सरकार ने लैणा। हाँ जी, वो ये उन्होंने कहा भी उन्होंने यही असं रिक्वेस्ट की कह लो भी क्योंकि हुण सीजन बिजाई का चलन वाला है, तो चलन वाला तो वो करके असं चाहते हैं भी जिन्ना चेर असी इनकुआरी कर रहे हैं वो पड़ताल कर रहे हैं असी रिपोर्ट पहुँचती करा उन्ने दिन तुम जरूर दुकाना खोलो, जेकर कोई कल मुश्किल आई तो फिर वह तो चलो बाद भी कोई रोस प्रगट किया जाए। हाँ फिलहाल की घड़ी एडीओ तो कोई एक्शन हम लिया गया जा सिर्फ एक नहीं दस दिन छुट्टी भेजे इन्हों की एक जरूर मंग है किसी जिले भरावान की भी उन्होंने 10 दिन आपकी ड्यूटी पर ना आए छुट्टी लै लवे ताकि वो जरा जिन्ने दिन भी यह काम होंगे उन्ने दिन कोई इनकुआरी के जाँच पड़ताल के असर ना आए, इस करके असी जरा जी हूँ जी 8 या 10 दिन की छुट्टी पर भेज देवे तो असी आपका काम। हाँ पेस्टिसाइड डीलर ने एक होर भी एलीगेशन लाया भी बार बार समय समय से एडीओ साढ़े तो रिश्वत मंगते हैं जी, जिन्होंने आप कह दें वंगार पाते जी, वो बारे की कहूँगी? हाँ जी देखो, इस तो पहले तो मैं जिन्हें भी हम कट्ठे हुए डीलर भरा सारे सारे जिले के आसे पास जिले के भी सके, मैं क्या भी मैं एक साल तो चीफ लगा इतने, मैंने कदम भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया गा भी कोई मेरे तो रिश्वत रख लैंदा जा मैं कोई परेशान कर, जेकर अज मैं पता लगा भी इन्हों की मतलब भी इन्हों पता लगा भी वाकई कोई रिश्वत की गल करता ज कोई खराब करता है, इस तो बाद जी ये प्रॉब्लम आ असी पक्के तौर पर सॉल्व करेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो जी, ये साडा भरावां दा ही मसला सीगा ते असी बैठ के मसले नूं किरा सुलझा लिया, ते जिहड़े अफसर ने इस तरह की कताही वरती है ते उहदे ते कारवाई दा असी मतलब इन्हां नूं यकीन दवाया भी कारवाई उस अफसर ते करांगे, ते मुख खेतीबाड़ी अफसर साडे इत्थे आए सीगे ते उहनां नाल बैठ के ते पेस्टिसाइड दे जिन्ने भी साडे वीर इत्थे पहुंचे सीगे जिन्नियां मतलब फर्मां दे प्रधान सीगे ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀਹ ਕੇ 25-25 ਦੀ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ।